फ्रेंड्स, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट दैट हैज फैसिनेटेड लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल। बहुत बार हम एक दूसरे से पूछते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में या बाद में भी, यार आप कहाँ पे घूमना फिरना पसंद करते हो? कोई कहता है मैंने यहाँ पे जाना, कोई कहता है मैंने यहाँ पे जाना है। एंड अलग अलग लोगों ने, किसी का स्विट्जरलैंड जाना है, किसी ने बोला मॉलदीव जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर मेरे से किसी ने पूछा कि आपको कहाँ जाना पसंद है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, मेरे आई वॉन्ट टू गो टू अंटार्कटिका। क्योंकि वहां पे द ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी दैट इज देयर, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप भी डेफिनेटली यहां जहां स्विट्जरलैंड, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, डू ट्राई टू विजिट दैट प्लेस। लेकिन अगर कहीं जिंदगी में कभी मौका लगे, तो ट्राई टू गो टू अंटार्कटिका ऑल्सो, जब प्रोवाइडेड जब बर्फ बर्फ ना पिघल जाए सब कुछ, उससे पहले जाने की कोशिश करना। यहाँ पे कहा जाता है कि इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस दैट वन गेट्स ओवर हियर। मैं जब देख भी रहा था, भी अगर जाना भी है, कभी बाई चांस भगवान ने मरने से पहले मौका दे दिया, तो जाए कैसे जाता है? तो अर्जेंटीना से वहां से क्रूज शिप्स चलती हैं, दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट दैट हैज बीन देयर, और वहां से आप अंटार्कटिका जा सकते हो। द एनवायरमेंट इज कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली टू गुड, द फ्लोरा फौना एक्सेट्रा, ऑल द नेचुरल ब्यूटी दैट यू आर गेटिंग इज एक्सीलेंट ओवर देयर। आप कभी वीडियोस में अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम आज की बात करें, जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरमेंट इंक्रीज और चेंज हो रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स दैट आर देयर, इट्स अ वेरी कॉज ऑफ अ कंसर्न। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स दैट इज फॉर एग्जाम्पल गोइंग थ्रू दिस अंटार्कटिका। टेम्परेचर कहीं कहीं पे -25 -30 डिग्री सी है, एंड दैट्स अ मेजर कॉज ऑफ अ कंसर्न ऑल्सो, कहीं ना कहीं पे, बिकॉज इतनी ज्यादा बर्फ है वहां पे। अगर वो बर्फ पिघलती है, उसका जो इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन, स्पिल ओवर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा होगा। द हिडन गैसेस दैट आर देयर, वो मीथेन अदर गैसेस दैट आर देयर, वुड बी कमिंग अप, देयर वुड बी राइज इन द सी लेवल ऑल्सो, टेम्परेचर वुड ऑल्सो भी देयर। जैसे बर्फ पिघल गई है या पिघल रही है, देयर गेटिंग एक्सपोज टू द एरिया, तो वहां पे जो लैंड की सन रेज की होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो धरती और गर्म हो जाएगी। दैट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्लीकेशन फॉर द वर्ल्ड एज अ होल। इसलिए क्यों हीट वेव्स वहां पे चल रही हैं, वॉट इज द इम्पैक्ट दैट दिट वुड बी हैविंग इफ देयर इज अ चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस। और साथ ही साथ में इट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो कमिंग टू द टॉपिक अंटार्कटिका, डीप विंटर हीट वेव्स अटर दे। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इज कमिंग अप। अशक्ति बैट इज बेसिकली स्टार्टिंग एट मलुका, यस, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of August एट अ वेरी वेरी मिनिमल फी। जनरल स्टडीज आपका पूरा ऑनलाइन का सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी में करवाया जा रहा है। बहुत कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, जीएस, पूरे का पूरा आपको कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से कराया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी आपकी जीएस की कॉम्प्रेहेंसिव क्लासेस होंगी, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, रेगुलर टेस्ट आपके होंगे, वन टू वन मेंटरशिप इज देयर, टीचर्स आर देयर टू गाइड यू। दिस इज वन बैच दैट यू डेफिनेटली रिक्वायर फॉर स्टडिंग वेरी गुड इन अ वेरी 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 वेल प्लान मैनर एट मलुका। ये अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, इस बैच को जल्दी से आप ज्वाइन करिए, रजिस्टर करिए एट अ वेरी वेरी लेस फीस, एंड नॉट ओनली दिस बट द आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। What is causing Antarctica's deep winter heat waves? What could be its fallout that are there? और खास करके जब eastern part of Antarctica की बात करते हैं, the relatively higher elevation swath, which makes approximately two-third of the world's coldest continent, temperature are currently ranging between -25 degrees C to -30 degrees Celsius. बहुत ज्यादा temperature, this is negative, minus, positive नहीं, negative है, तो वहां पे भी एक cause of concern, for example, completely, look at the beauty of Antarctica. For the second time in a 2 year, a record-breaking heat waves have been going on through Antarctica at the height of its winter seasons. Ground temperature that are there have been -10 degrees, लेकिन कहीं ना कहीं पे Celsius higher than the normal average since mid-July and up to 28 degree higher than on certain days. ये बढ़ रहा है इतनी तेजी से टेम्परेचर, एंड दैट इज
a cause of a concern not only for a single country but for the world as a whole. In the eastern part of Antarctica, two-third part hai jo hai, the ranges between minus 25 and minus 30 degrees C. The highlights are needed to understand the, what are the causes of it. Reasons for the heat waves. One is the global warming. And this global warming that is taking place is affecting the world. The puri duniya effect ho rahi hai, to Antarctica bhi to effect hoga. And there's overall rise in the global temperature as the earth is getting warmer due to increased greenhouse gases. And sabse jyada impact wo polar regions mein hi dekhne ko mil raha hai, experiencing a higher temperature as well. सबसे पहले बात है द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज टेकिंग प्लेस एंड इसके साथ ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस. पोलर वॉर्टेक्स का कांसेप्ट है, अ शिफ्ट इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस कैन ब्रिंग द वार्मर वाटर और वार्मर एयर फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड टू द एंटार्क्टिक रीजन. लोअर लैटिट्यूड से वहां से अंटार्कटिक रीजन की तरफ कंपेटली हम जाते हैं बिकॉज द शिफ्ट इन द सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन. तो वहां पे जो वार्मर एयर है वो लोअर एल्टीट्यूड से कहां पे जाएगी, टुवर्ड्स द अंटार्कटिक रीजन. फॉर एग्जांपल द पोजीशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स, अ लार्जर एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड अ कोल्ड एयर सराउंडिंग द पोल्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एनोमलीज इन अंटार्कटिका. मेजर जब एयर सर्कुलेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप इक्वेटोरियल रीजन या फॉर एग्जाम्पल आप उसके आगे का रीजन के पूरे का पूरा, व्हेन देयर वुड बी सर्कुलेशन दैट वुड बी टेकिंग प्लेस, अब जिसकी वजह से गर्मी जो है वहां पे कंप्लीटली राइज द टेम्परेचर दैट इज टेकिंग प्लेस. हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ओशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. द वार्मर ओशन वाटर कैन ट्रांसफर हीट टू द एटमोस्फियर, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका के कोस्टल रीजन है दैट इज गेटिंग इफेक्टेड एंड लीडिंग टू द कोस्टल रीजन के अंटार्कटिका में हाई टेम्परेचर है. तो इनिशियल फेज में हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ओशन. ये तीनों के तीनों एक इंपॉर्टेंट रीजन है. इसके बाद ओशन करंट्स एंड सी आइस डिक्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पूरे का पूरा सर्कुलेशन या ओशन करंट्स फ्लो कर रही हैं, वो भी इफेक्ट हो रही हैं. कैसे, फॉर एग्जांपल द चेंजेस इन द ओशन करंट एंड मेल्टिंग ऑफ द सी कैन आल्सो अल्टर द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो. और जैसे जैसे बर्फ कंप्लीटली वहां पे खत्म हो जाएगी, द मोर हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ओशन रेदर देन बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. आप ज्यादा से ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करोगे और जैसी ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करोगे दैट विल बी लीडिंग टू द राइज इन द टेम्परेचर दैट इज अनदर कॉज ऑफ अ कंसर्न. मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट उसी के साइमल्टेनियसली है एंड देन बिकॉज मेल्टिंग विल बी टेकिंग प्लेस रिलीजिंग द फ्रेश वाटर इनटू द सीज बिकॉज ऑफ विच कैन इंपैक्ट द ओशन करंट्स एंड वेदर पैटर्न्स. जिसके लिए क्या होगा, जो लोकलाइज्ड रीजन में है, लोकलाइज्ड रीजन में कंपैरेटिवली एक हायर अमाउंट ऑफ आपको वार्मिंग देखने को मिलेगी. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक मैकेनिज्म दैट हैज बीन देयर. ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सर्टेन फीडबैक लूप सच एज रिडक्शन इन द इफेक्टिव आइस कवर विच नॉर्मली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. जब आइस कवर कंप्लीटली आपका कम हो जाएगा, नेगेटिव क्या होगा, there will be more solar energy that would be absorbed by the ocean. जब more solar energy absorb किया जाएगा और वहां पे compared leading to the additional warming. तो ocean currents and ice sea decline, melting of the ice sheets, feedback mechanism, this also is the reason of the heat waves that are there. जिसके चलते हुए ही बहुत deep impact आपको Antarctica region में देखने को मिलता है. For example, ice sheets and glacier melting is taking place. इंक्रीज अब इसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज लीडिंग टू दिस द इंक्रीज टेम्परेचर कैन कॉज द अंटार्कटिक आइस शील्ड एंड ग्लेशियर टू मेल्ट. इसके चलते हुए ही ग्लोबल सी लेवल राइज विल डेफिनेटली बी सीन. अब पूरे का पूरा अब अंटार्कटिका में यार बहुत बर्फ है, पिघल के कहां पे जाएगी, समुद्र में जाएगी, राइज होगा, कोस्टल एरियाज इफेक्ट होंगे, स्मॉल आइलैंड्स इफेक्ट कंप्लीटली वहां पे होंगे, सी लेवल विल डेफिनेटली बी राइजिंग, वो डेफिनेटली होगा, लेस ऑफ द सी आइस बिकॉज ऑफ द रिड्यूस कवर दैट वुड बी देयर. जब ये पूरे का पूरा हो जाएगा दैट वुड इंपैक्टिंग द सील्स, द पेंगुइन्स, द पोलर बियर्स, एवरीथिंग दैट इज देयर विल डेफिनेटली बी इफेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन. चेंजेस इन द ओशन सर्कुलेशन ऑल्सो, जब सेलिनिटी ज्यादा से ज्यादा बर्फ पिघल जाएगी तो सेलिनिटी ऑफ द वाटर दैट इज देयर दैट वुड बी इफेक्टेड एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ओशन विल आल्सो बी इफेक्टेड. जिसके चलते हुए ओशन सर्कुलेशन का जो पैटर्न बना हुआ है उसको भी पूरे का पूरा पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा. तो क्या होगा, ओशन सर्कुलेशन में भी चेंजेस हो जाएंगे.
मैरीन लाइफ ऑटोमेटिकली इफेक्ट होंगी, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द सी एंड आइस, जैसे क्रिल्स हो गए, अदर क्रूशियल फूड सोर्सेज दैट आर देयर फॉर मेनी अंटार्कटिक स्पीशीज दैट वुड ऑल्सो बी इफेक्टेड. ऑल्टर द वेदर पैटर्न्स एक और बहुत ज्यादा है कि जैसे जैसे अंटार्कटिका का क्लाइमेट चेंज होगा रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर पूरे का पूरा ये वेदर पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे, पोटेंशियली लीडिंग टू द मोर एंड मोर एडवर्स वेदर इवेंट्स एंड शिफ्ट इन द लोकल क्लाइमेट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पहले ही बताया था रिलीज ऑफ द मीथेन दैट वुड बी टेकिंग प्लेस, द परमाफ्रॉस्ट एंड द जो कम हो रहा है परमाफ्रॉस्ट and ice could release the stored methane that is the potential greenhouse gas. Ab jab methane release hogi that will have a much more disastrous impact jiski wajah se for example global warming hogi, ecosystem disruption to hoga hi hoga, flora and fauna to affect hona hi hona hai, leading to this shift in the species distribution. Aur species distribution ka shift hoga, एक से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे, दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू सस्टेन देमसेल्फ, जिसके चलते हुए आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा, रिसर्च स्टेशन भी इफेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक चैलेंज दैट आर देयर एंड एबिलिटी टू कंडक्ट वेरी साइंटिफिक रिसर्चेस इफेक्टिवली. आप समझ सकते हैं रिसर्च स्टेशन आर बेसिकली बीइंग फ्रेम्ड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, लेकिन अब वो भी कंप्लीटली इफेक्ट हो जाएगा. अब लेकिन ये तो हो रहा है, इसका हल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The most important thing is आप किसी भी चीज को एक नेगेटिव इवेंट को पहले तो होने से रोकें. The most important thing is the mitigation strategy. जरूरी नहीं है कि जब डिजास्टर आ ही जाए तभी आपने कुछ करना है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी भी सोचती है, रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दैट इज पहली बात जो हमारे हाथ में है. ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंप्लीटली कम करेंगे, क्लीन एनर्जी यूज करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी यूज करेंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट है इनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे. इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को मोर एंड मोर प्रमोट करें, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इसको कंप्लीटली प्रमोट करेंगे ताकि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम डिपेंडेंसी हो जाए. इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जहां पे भी है तो वहां पे एनर्जी एफिशिएंट यूज करने की कोशिश है ताकि ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंप्लीटली हम कम कर सके. क्लाइमेट रिसर्च को और अच्छे तरीके से फॉर एग्जांपल सपोर्ट करो, बेटर अंडरस्टैंड द फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू हीट वेव्स, जिसके चलते हुए हम एक इम्प्रूव्ड क्लाइमेट मॉडल्स को अप्रूव रख सकेंगे और साथ ही साथ में हम वेदर का प्रोडक्शन कंप्लीटली अच्छे तरीके से कर पाएंगे. Preserve and store the ecosystem. That is very, very important. Protecting and restoring the natural ecosystem is important, such as carbon, which can act as a carbon sink, such as forest ho gaya, wetlands ho gaya. They can be in a better position to consume, to absorb carbon dioxide from the atmosphere. Inko hume restore ya preserve karne ki zarurat hai. मिटिगेशन के साथ साथ कई बार हमें अडेप्टेशन भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एक बार जो चीज शुरू होगी वही कंटिन्यू रहेगी. अडेप्टेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मॉनिटर एंड अडेप्ट रिसर्च स्टेशन दैट आर देयर एंड इंश्योरिंग दैट दोस थिंग डेवलपमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस, हमारे इक्विपमेंट्स है अच्छे तरीके से, अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटिंग वेरियस अडेप्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वहां पे इंप्लीमेंट करी जाए. Protect local wildlife को ही protect करें, so that we can be in a better position to implement conservation measures for species which are affected by changing temperature. Create various protected areas, adjusting conservation strategies, और देना बनाना इस तरीके से पड़ेगा ताकि हम shifting habitat जो हो रहा है उसके context में ही जो recent developments है, for example, वो आपको कराई जाए. आइस की मॉनिटरिंग कंप्लीटली अच्छे तरीके से करी जा सके, सो दैट इंप्रूविंग मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग ऑफ द आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स टू बेटर प्रेडिक्ट, सो दैट वी कैन बी इन अ पोजीशन टू मैनेज द आइस कवर एंड उनको मिनिमम तरीके से या उसको मेल्ट होने से कंप्लीटली हम कैसे बचा सकते. डेवलप कंटिजेंसी प्लान, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लॉजिस्टिक होगा, ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड टू राइजिंग टेम्परेचर दैट इज टेकिंग प्लेस और द हीट वेव्स दैट इज टेकिंग प्लेस, इसके कंटेक्स्ट में हमें पूरे का पूरा क्या हो कि एक कंटेंजेंसी प्लान हमारा एक रेडी होना चाहिए. जहां पे जरूरत पड़ेगी फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आल्सो. ग्लोबल वार्मिंग और द फिनोमेनन दैट इज टेकिंग प्लेस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द वन कंट्री, इट्स अ कनेक्टेड प्रॉब्लम दैट हैज बीन देयर, जिसको दूर करने की जरूरत है. पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन सिंपल थिंग दैट हैज बीन देयर, इन्वेस्ट इन द क्लाइमेट अडैप्टेशन टेक्नोलॉजीज सो दैट वी कैन बी इन अ बेटर पोजीशन
it is not only that certain countries can make, can, or they do have such technologies. It's important that we are sharing these technologies with the others. As kal kisi bhi country ki wajah se agar kuch disaster hota hai, that disaster such as global warming will not be limited only to one country. Aisa ho sakta hai aaj ek jagah pe hai, 10 saal ke baad, 15 saal ke baad wo dusri, teesri, chauthi jagah pe wo cheez dekhne mil jati hai. So all those things that are there, heat waves kyun hoti hai, causes kya hai, solutions, impact kya hai, iska solution kya hai, all those things, for example, aap important directly aapse iske mutabik question pucha ja sakta hai. There can be question, for example, the rising heat waves in Antarctica have significant implications for global climate system and regional ecosystems. Discuss the primary factors which are contributing to these heat waves and analyze the potential impact on the global sea level, local wildlife, scientific researches, all those things, and suggest the strategies that can be adopted at both global level and local level. इनको मिटिगेट करने के लिए, तो इसको आप क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं एंड आपको जो हमने को आंसर्स दिए हैं अ सॉर्ट ऑफ अ मॉडल आंसर की तरह ही है. इसके साथ ही फ्रेंड्स मलुका इसकी टेस्ट सीरीज है. इन टोटल प्रीलिम्स प्लस मेंस को मिला के आपके 64 टेस्ट है, जिसमें 34 प्रीलिम्स के हैं और 30 मेंस के टेस्ट है. आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज 64 की टेस्ट सीरीज कॉम्बो है जस्ट 12,000 प्लस जीएसटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको 15,000 प्लस एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए. आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड फिर आप आगे टेस्ट दीजिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल. और साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर इज ऑल्सो बींग अवेलेबल, जून का है, जुलाई का है, प्रीवियस मंथ्स के भी अवेलेबल है एंड पीडीएफ इज अवेलेबल जस्ट एट 20 रुपीज. बहुत कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से करवाया जाएगा पूरे का पूरा जो आपको करंट अफेयर मिलेगा. जरूरी नहीं है कि आप मंथ एंड या ईयर एंड या प्रीलिम्स से 4 महीने पहले ही प्रीलिम्स के करंट अफेयर देख पड़े. दिस इज द टाइम जब करंट अफेयर्स को साथ ही साथ प्री स्पेसिफिकली पढ़ते जाइए. बहुत ही वेल प्रेजेंटेड है, फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, इमेजेस है टू मेक दोस करंट अफेयर कंपेरेटिवली वेरी इंटरेस्टिंग. आप ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करके 29 रुपीज का पीडीएफ ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, दैट इज टोटली योर चॉइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे और बहुत सारे वीडियोज जो आपको डेली लाइफ इवेंट्स के बारे में या यूपीएससी के बारे में भी हम लाते रहेंगे, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.